हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है या फिर आप जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2021 में एडमिशन लिया है तो उन्हें एडमिशन के बाद क्या करना है, आपके एडमिशन होने के बाद आगे का क्या क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपको इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद 1 से 2 वीक के अंदर आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है। कभी कभार स्टूडेंट्स का एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाता है क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स गलत लगे होते हैं या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होते हैं, इस वजह से उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं हो पाता है। पर आपका जो एडमिशन है वो 1-2 वीक के अंदर कंफर्म हो जाता है अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सही लगे हैं तो। इसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना होता है, तो दोस्तों, एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको एडमिशन पोर्टल पर जाना है। वहाँ पर चेक करना है कि आपका जो आईडी कार्ड है वो आ गया है या नहीं आ गया है। आपको मेल के द्वारा पता चल जाएगा कि आपको आपका इनरोलमेंट नंबर मिल गया है। आपको आपके मेल पर या फिर आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर, आपके मोबाइल नंबर पर इग्नू की तरफ से मैसेज आ जाएगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है और आपको आपका इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इग्नू की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर ऑनलाइन पे जाना है, यहाँ पर फ्रेश एडमिशन में जाना है। इसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको नीचे साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड, जब आपने एडमिशन लिया तो एडमिशन के वक्त आपने एक यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया था तो वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर लॉगिन करना है। दोस्तों, इसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होता है, आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको 4 चीज़ें शो हो रही होंगी, होम, माई एप्लीकेशन, माई ट्रांजेक्शन और एडमिशन डिस्क्रिपेंसी। यहाँ पर आपको माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कंट्रोल नंबर शो हो रहा होगा। कंट्रोल नंबर आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इसी को अपना इनरोलमेंट नंबर समझ लेते हैं। इसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया तो यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर शो होगा और अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर शो नहीं होगा। इसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका आईडी कार्ड का ऑप्शन आएगा डाउनलोड करने के लिए, यदि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है तो। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यहाँ पर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा और जब आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो इसके बाद आईडी कार्ड डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे ओपन करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का आईडी कार्ड ओपन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर वो पासवर्ड मांगता है। और जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यूज़ योर इनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड। अगर आप अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं तो आईडी कार्ड डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपसे ये पासवर्ड मांगेगा तो आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है वही आपको पासवर्ड डालना है जब आपका जो आईडी कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप आईडी कार्ड वहाँ से डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, ये आपका स्टार्टिंग का प्रोसेस है जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाता है, इसके बाद आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करना है। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी डाउट है कि क्या हमें आईडी कार्ड में स्टैम्प लगवाने के लिए या वेरीफाई करवाने के लिए रीजनल सेंटर जाना होगा, तो दोस्तों नहीं। पहले आपको आईडी कार्ड जो है वो आपको वेरीफाई करवाने के लिए, स्टैम्प लगवाने के लिए रीजनल सेंटर जाना होता था, पर अभी आपके जो आईडी कार्ड है वो पहले से ही वेरीफाइड होकर आते हैं। इसके बाद आपका आगे का प्रोसेस क्या है, इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस कैसे होंगी
या हमारी ऑफलाइन क्लासेस कैसे होंगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी कोविड चल रहा है, इसलिए आपकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चल रही हैं, और आपके जो क्लासेस का शेड्यूल है वो आपको आपके मेल के द्वारा पता चल जाएगा कि आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग या क्लासेस कब होगी, या फिर आपका जो भी रीजनल सेंटर है आपको उसकी वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर काउंसलिंग के लिए आपको वहाँ पर शेड्यूल मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि एडमिशन के बाद हमारी बुक्स कब तक आएंगी। तो दोस्तों एडमिशन के बाद आपकी जो बुक्स हैं वो लगभग हम कह सकते हैं कि उसमें टाइम लगता है आपकी 2-3 महीने के बाद, या फिर अभी कोविड चल रहा है तो लगभग 4-5 महीने लग जाते हैं आपके बुक आने में। दोस्तों आपकी जो बुक हैं वो बाई पोस्ट आती हैं, और बाई पोस्ट अगर नहीं आती हैं तो आप इग्नू के रीजनल सेंटर से भी अपनी बुक कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आपका प्रोसेस है एडमिशन के बाद। आपको सबसे पहले एडमिशन के बाद अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है यदि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इसके बाद आपके ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपका जो शेड्यूल है वो आपको मेल के द्वारा पता चल जाएगा, और आपकी जो बुक्स हैं वो बाई पोस्ट आपके घर आएंगी। इसके बाद स्टूडेंट्स का डाउट ये है कि जब हम एडमिशन ले लेते हैं इसके बाद हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, और एग्ज़ाम होने से पहले आपके असाइनमेंट भी बनाने होते हैं, तो आपके असाइनमेंट क्या होते हैं, असाइनमेंट कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ सबमिट होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आपको पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आपको असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, कहाँ से डाउनलोड करने हैं, इसके बाद आपको असाइनमेंट कहाँ सबमिट करने हैं, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको असाइनमेंट कब बनाने होते हैं। तो दोस्तों यदि आपने जुलाई 2021 सेशन में एडमिशन लिया है तो आपको असाइनमेंट अपने मार्च अप्रैल 2022 में सबमिट करने हैं। आपके जो असाइनमेंट हैं वो आपके जुलाई 2021 के जो हैं वो मार्च अप्रैल में सबमिट होंगे, और जनवरी के असाइनमेंट सितंबर अक्टूबर में सबमिट होते हैं यदि आपने किसी भी ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो। और यदि आपने किसी भी सेमेस्टर प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जैसे BCA या फिर MCA, तो आपके जुलाई 2021 के जो असाइनमेंट हैं वो अभी सितंबर अक्टूबर 2021 में सबमिट होंगे, क्योंकि ये आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, हर 6 महीने में आपके जो असाइनमेंट हैं वो सबमिट होंगे। जब आपके असाइनमेंट बन जाते हैं तो असाइनमेंट बनने के बाद इसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होता है आपका एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम कब होते हैं, तो दोस्तों एग्ज़ाम होने से पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है। जब आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं इसके बाद इग्नू की तरफ से एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ किया जाता है, और एग्ज़ाम फॉर्म में आपको जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके लिए आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, और जिसके लिए आपको 200 रुपये पर सब्जेक्ट फ़ी पे करनी होती है। आपके अगर 8 सब्जेक्ट हैं तो 200 के हिसाब से आपको 1600 रुपये, अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 4×8 800 रुपये पे करने होते हैं। ऐसे आपको अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के बाद आपके एग्ज़ाम जो हैं जनवरी 2021 में अगर आपने एडमिशन लिया है तो इसके एग्ज़ाम आपके दिसंबर 2021 में होंगे, और यदि आपने जुलाई 2021 सेशन में अभी एडमिशन लिया है तो आपका किसी भी ईयरली बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन हुआ है तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं वो मार्च अप्रैल में भरे जाएंगे, और आपके जो एग्ज़ाम हैं वो जून 2022 में होंगे। और यदि आपने अभी जुलाई 2021 में किसी भी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम में एडमिशन लिया है तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं वो अभी सितंबर अक्टूबर में भरे जाएंगे, और इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम हैं वो दिसंबर 2021 में लिए जाएंगे। इसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होता है कि अगर आपने एडमिशन लिया है जुलाई 2021 में तो इसके बाद आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपको नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए यानी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। आपको री रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपको नेक्स्ट ईयर जुलाई 2022 में री रजिस्ट्रेशन करवाना होगा नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए। ये सारा कंप्लीट प्रोसेस होता है एडमिशन के बाद। सबसे पहले आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इसके बाद आपको आपके ऑनलाइन काउंसलिंग या फिर क्लासेस का शेड्यूल मिलता है।
इसके बाद आपकी जो बुक्स हैं वो आपको बाई पोस्ट आपके घर पर मिल जाएंगी। इसके बाद आपको अपने असाइनमेंट बनाने होते हैं, जो कि आपके जुलाई 2021 के मार्च अप्रैल 2022 में असाइनमेंट सबमिट होंगे। और कैसे आपको असाइनमेंट बनाने, इसकी वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसके बाद जब आप असाइनमेंट सबमिट कर देते हैं, तो इसके बाद आपको अपने जो एग्ज़ाम फॉर्म है एग्ज़ाम देने के लिए वो फिल करने होते हैं। तो जुलाई 2021 के लिए आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो अप्रैल में भरे जाएंगे। इसके बाद आपके जो एग्ज़ाम है वो जून 2022 में कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में। जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाते हैं तो उसी को हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और जितनी आपने एडमिशन के टाइम पे फीस पे की थी, उतनी आपको सेकेंड ईयर में जाने के लिए फीस पे करनी होगी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारा कंप्लीट प्रोसेस है आपके एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। दोस्तों यदि अभी भी आपको कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड, अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।